चाहते हो कि आपकी लव लाइफ भी एकदम अच्छी बनी रहे तो छोटी छोटी बातों को लेकर कभी विवाद नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, मैं बोल रहा हूं वृश्चिक राशि वाले जातकों को, इस महीने आपके साथ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हम बात करेंगे सितंबर 2022 के मासिक राशि फल के विषय में, जहां मैं आपको पूरे महीने का हाल बताने वाला हूं, ग्रहों के पिटारे से आपके लिए क्या निकलकर सामने आने वाला है। वीडियो की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर बार की तरह वीडियो के अंत में आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूं जो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित रोहित तिवारी एक बार पुनः उपस्थित हो चुका हूं वृश्चिक राशि वालों का सितंबर 2022 का मासिक राशि फल लेकर। हम राशि फल पर चर्चा करें उससे पहले एक बार सितंबर के महीने की ग्रह की स्थिति को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि आखिर ग्रह किस स्थिति में बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं भाई, वृश्चिक राशि वाले जातकों के तृतीय भाव थर्ड हाउस में शनिदेव विराजमान है और वो अपने घर के बैठे हुए हैं, और वहीं आपके प्रेम और लव के जो लव का जो हाउस है उसमें देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। वहीं रोग ऋण और शत्रु के भाव में बैठ गए हैं राहु, और आपकी मैरिड लाइफ वैवाहिक जीवन और आंतरिक इच्छाओं के भाव में बैठ गए हैं मंगल। वहीं आपके बिजनेस के भाव में आपके कर्म क्षेत्र में शुक्र और सूर्य अपने घर के विराजमान है, शुक्र सूर्य के घर में बैठे हुए हैं। आपके लाभ के भाव में बुध विराजमान है, वो भी अपने घर के हैं लेकिन स्वभाव थोड़ा सा विपरीत लिए हुए हैं। और आपके बारहवें भाव में अर्थात व्यय के भाव में, खर्चे के भाव में बैठे हैं केतु, और महीने के प्रारंभ में उस दिन वहां चंद्रमा भी विराजमान रहेंगे जो अगले कुछ ही दिन में अपना स्थान परिवर्तन कर लेंगे। तो चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के पूरे मासिक राशि फल के विषय में। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं आपकी लव लाइफ के विषय में। तो भाई इस महीने आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि आपके प्यार के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और सीधा दृष्टि संबंध बना रहे हैं बुध से जो लाभ के भाव में है। तो भाई आज इस महीने आपको अपने लव पार्टनर से कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने वाला है। आपका लव पार्टनर आपके साथ रहेगा, बहुत प्यार से आप दोनों एक दूसरे के साथ इस महीने में सरवाइव कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी स्थिति नजर आ रही है, एक दूसरे का तालमेल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो भाई लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बात करते हैं मैरिड लाइफ की। तो भाई मैरिड लाइफ के विषय में थोड़ी सी यहाँ परिवर्तन नजर आ रहा है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में सेवंथ हाउस में मंगल विराजमान है और भाई सातवें भाव में बैठकर मंगल मांगलिक दोस्तों बनाते ही बनाते हैं, वहीं दाम्पत्य सुख में भी कमी करते हैं। हालांकि राशि के स्वामी है और उसी के साथ साथ शत्रु रोग और ऋण के भी स्वामी हैं और उसके धन भाव अर्थात उसकी वृद्धि में जाकर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पारिवारिक कलह, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थिति अनावश्यक कारणों से विवाद की स्थिति में वृद्धि कर देंगे। ससुराल पक्ष का आपकी मैरिड लाइफ में इंटरफेयर हो सकता है, जिसके कारण भाई आपकी मैरिड लाइफ और परेशानी में जा सकती है। तो सबसे बड़ा और सबसे अच्छा उपाय है मौन रहना, जो कम बोलता है और समय पर बोलता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो भाई वृश्चिक राशि वाले, एक तो आपसे सहन नहीं होता है, दूसरी चीज आप अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचते हुए देखते हो तो एकदम उतावले हो जाते हो। तो इस महीने अपने रिश्ते को बचाने के लिए थोड़ा सा सहन कर लीजिए। वैसे देवगुरु बृहस्पति आपको सहन करने की क्षमता तो दे रहे हैं, लेकिन राहु आपके छठे भाव में बैठकर आपको आक्रामक बना देगा, क्योंकि लोग आपसे ना चाहते हुए भी गलत तरीके से बात करेंगे और भाई ये आपको थोड़ा सा क्रोधी बना सकता है। तो लोगों की बातों पर ध्यान ना देकर आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए इस महीने थोड़ा सा प्रयास करते रहिए तो बहुत अच्छा रहेगा, मैरिड लाइफ आपकी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। वहीं एक बहुत अच्छी चीज होने वाली है, जब चंद्रमा आपकी अपनी राशि में कुछ दिन बाद जैसे ही पहुंच जाएंगे तो भाई लक्ष्मी नामक योग का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का जब जब सीधा संबंध होता है तब तब धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, ये मैं मानता हूं, क्योंकि एक तरह का नीच भंग राजयोग का निर्माण कर लेंगे और ये वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। विशेष रूप से धन की स्थिति
इस महीने में बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, और वो भी चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का संबंध एक ऐसा योग बना जाएगा जो पूरे महीने अर्निंग आपको देता रहेगा, प्रॉफिट देता ही रहेगा। वहीं बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के विषय में, तो भाई स्वास्थ्य की जो स्थिति है इस महीने थोड़ी सी कमजोर रहने वाली है, क्योंकि आपके रोग का स्वामी जो है सप्तम भाव में अर्थात पत्नी के घर में बैठा हुआ है, तो पत्नी की रोग को लेकर या आपको अपने हस्बैंड या वाइफ के रोग को लेकर थोड़ी सी आपकी परेशानी बढ़ने वाली है। वहीं बात करूं मैं रोग के विषय में, तो भाई महिलाएं जो पहले से अपने साइकिल के रोग से, मासिक धर्म के रोग से पीड़ित हैं, तो इस महीने में वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, या इस महीने आपका साइकिल थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि मंगल और चंद्रमा इसके बहुत बड़े कारक माने जाते हैं जो फीमेल की साइकिल को कंट्रोल करते हैं, और उसमें राहु बैठा हुआ है, तो भाई इस समय यूरिनरी इन्फेक्शन हो सकता है, संभव हो सकता है कि साइकिल से रिलेटेड कोई बड़ा रोग सामने आ सकता है, या जो महिलाएं अधिक उम्र की हैं तो उनकी गर्भाशय अर्थात जो यूट्रस है उससे संबंधित कोई रोग सामने उभर कर आ सकता है वृश्चिक राशि वाली महिलाओं के लिए, तो ये इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वहीं आपके छठे भाव में राहु बैठा है, सप्तम भाव में मंगल आपके विराजमान है, तो भाई ये दुर्घटना का भी योग बना सकते हैं, बहुत तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, लापरवाह लोगों के साथ नहीं चलना है, सड़क किनारे अगर चलते हैं तो थोड़ा देख समझ कर चल लीजिएगा, क्योंकि ये दुर्घटना का योग भी निर्मित कर रहा है। वहीं बात करते हैं आपकी शिक्षा के विषय में, तो भाई शिक्षा इस महीने बहुत बेहतरीन रहने वाली है, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, लेकिन स्वभाव अपना वक्र उल्टा लिए हुए हैं, और ऊपर से बुध ग्रह की बुद्धि के स्वामी की दृष्टि है, अगर भाई आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए अपनी स्टडी पर तो भाई लाइफ बहुत बेहतरीन रहेगी, लेकिन यदि आपने अपना दिमाग भटका लिया या गलत चीजों को सोचने में लग गए या पढ़ाई को लेकर आप सीरियस नहीं है, तो भाई फिर बृहस्पति देव और बुध मिलकर सत्यानाश भी आपकी पढ़ाई को कर देंगे, रिजल्ट बेहतरीन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर आज आपने ध्यान नहीं दिया तो फ्यूचर में इसका जो रिजल्ट है वो आपका बिगड़ जाएगा, भले ही अगले महीने में कितनी भी अच्छी ग्रह स्थिति क्यों ना आ जाए, तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है, कॉन्सेंट्रेट करिए, मेडिटेशन का थोड़ा सा आप सहारा ले लीजिए और अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाइए, तो आपकी लाइफ स्टडी में बेहतरीन हो सकती है। बात करते हैं आपकी जॉब की, बिजनेस की और भाग्य की, तो भाई भाग्य के जो स्वामी है चंद्रमा है वो 12वें भाव में महीने के प्रारंभ में बैठे हैं, लेकिन जैसे ही आपके राशि के स्वामी से संबंध बनाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि लक्ष्मी महालक्ष्मी योग आपका जो निर्मित हो जाएगा तो वो पूरे महीने धन की स्थिति तो बहुत बेहतरीन कर जाएगा। आपके कर्म के स्वामी, व्यवसाय के जो स्वामी है, व्यापार के जो स्वामी है, जो जॉब के लॉर्ड है, भाई वो अपने घर में पूर्ण रूप से बलवान होकर बैठे हुए हैं, और उसके बाद मंगल उनकी राशि उनका परम मित्र है, तो भाई उसको सपोर्ट करेंगे, हो सकता है कि व्यापार में आपको नए रास्ते खोजने को मिल जाए, व्यापार आप बढ़ा सकते हैं, कोई नया व्यापार चालू कर सकते हैं, यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई निर्णय करना चाहते हैं तो भाई इस महीने में बेफिक्र होकर कर लीजिए, प्रॉपर्टी से संबंधित सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। वहीं यदि आप किसी ऐसे चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो फ्यूचर में आपको लाभ दे, तो भाई गोल्ड से संबंधित इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा, शेयर मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, अचानक से धन लाभ की स्थिति बन सकती है, जो अकाउंट से जुड़े लोग हैं भाई उन्हें जॉब में बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है, या फिर गवर्नमेंट जॉब में जो MPPSC UPSC की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब में बड़े पद पर आसीन है, तो भाई प्रमोशन पक्का है इस महीने, और यदि सार्वजनिक कार्यक्रम में आप जा रहे हैं तो भाई वहां सम्मान मिल सकता है, आपको अवार्ड मिल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी स्थिति सितंबर के महीने में वृश्चिक राशि वाले जातकों को मिलने वाली है, तो यहां कहीं ना कहीं आपको व्यापार और जॉब के मामले में बहुत लाभ मिलते नजर आ रहा है, बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है, धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि धन के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठकर और जो है लाभ के भाव को देख रहे हैं, और अचानक से लाभ के भाव के स्वामी बुध वहां बैठे हुए हैं, तो भाई एकदम से जो पैसा बहुत दिन से रुका हुआ था वो आ जाएगा, या जो व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है वो पैसा देने को तैयार हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं से आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। वही एक चीज और देख लीजिए, आपके हाथ में राहु के स्थान पर और बुध की उंगली पर, यहां जो बुध का
जो पर्वत होता है वहां यदि एक सीधी खड़ी रेखा अगर आपको दिख रही है और वो रेखा आपकी भाग्य रेखा से जाकर मिल रही है, तब तो समझ लीजिए कि भाई लॉटरी लगने ही वाली है। इस महीने में बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। बात कर लेते हैं इस महीने के उपाय के विषय में। इस उपाय को अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो भाई सबसे अच्छा उपाय आपके लिए ये है कि हनुमान जी महाराज के आप मंगलवार के दिन दर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन हनुमान जी को केसरिया रंग के वस्त्र आप हनुमान जी के मंदिर में भेंट कर दीजिएगा। संभव हो सके तो मंगलवार के दिन आप जो है अपने घर में एक घी का दीपक जलाएं और उस दीपक को अपने घर की दक्षिण दिशा में ले जाकर आप रख दीजिए। इससे रोग ऋण शत्रु आपके नियंत्रित हो जाएंगे और बहुत अच्छा रहेगा। और इस महीने में भाग्य तो भाई आपका चमकने वाला है, बहुत जोरदार है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए, क्योंकि आपको यहां पर ऐसे ही मासिक और दैनिक राशिफल हमेशा मिलते रहते हैं। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।